एक बार एक साधु से एक सम्राट बहुत ही प्रभावित हो गया। जापान की घटना है ये। जब भी सम्राट अपने घोड़े को लेकर राज्य का दौरा करने निकलते तो वो साधु को वो रोज देखता। वो साधु एक वृक्ष के नीचे बैठा रहता, अपनी मस्ती में मस्त, कभी बांसुरी बजाता, कभी नाचता, कभी कोई गीत गुनगुनाता और कभी चुपचाप बैठा रहता, आकाश के तारों को देखता रहता। सम्राट जब भी उसके पास से अपने घोड़े पर होकर निकलता तो वहाँ पर वो एक बार जरूर रुक जाता। उस साधु को देखे बिना उससे ना रहा जाता था। छुपकर वो उस साधु की मस्ती को देखता और फिर वहाँ से चला जाता। धीरे धीरे इतना रस आने लगा उसे उस साधु में कि समय कब बीत जाता था उसे पता ही नहीं चलता था। वो सम्राट चुपचाप एक झाड़ी के पीछे छुपकर उस साधु की मस्ती को देखा करता था। उस साधु की मस्ती कुछ ऐसी थी कि जब भी सम्राट उसे छुपकर देखता तो वो भी मस्त होकर अपने घर लौटता। ये रोज का काम हो गया था। एक दिन वो सम्राट इतना भाव विभोर हो गया कि जाकर उस साधु के चरणों में गिर पड़ा और कहा, महाराज, यहाँ मैं आपको और रहने नहीं दूंगा। वर्षा करीब आ रही है, इस वृक्ष के नीचे आप बारिश में कैसे रहोगे? मेरे महल में चलो, मुझ पर कृपा करो, मुझे सेवा का अवसर दो। ये सुनते ही वो साधु उठकर खड़ा हो गया, अपनी झोली उठा ली और कहा कि चलो। ये देखते ही सम्राट को बड़ा सदमा लगा। सम्राट कह तो रहा था कि महल चलो, लेकिन प्रसन्न होता ये सुनकर कि फकीर कहता, कैसा महल, कहाँ का महल, हम जहाँ हैं वही मस्त हैं, हम महल वगैरह में नहीं रह सकते, हमने तो कपड़ों का त्याग किया है। सम्राट के मन में तो ये सब सुनने की इच्छा थी। अगर साधु ने ऐसा कहा होता तो सम्राट उसके पैरों पर गिरकर कुछ और विनती कर लेता। तो सम्राट थोड़ा सदमे में आ गया। उसने सोचा कि कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, इस आदमी ने मेरे साथ कोई चालबाजी तो नहीं की, ये कोई महल में घुसने की तरकीब तो नहीं लगा रहा कि यहाँ पर बैठकर बांसुरी बजाता रहा, और कहीं ये इसका बांसुरी बजाना, मस्ती में नाचना, ये कोई मुझे फंसाने के लिए तरकीब तो नहीं है? क्या ये मछली को फंसाने के लिए काटा तो नहीं फेंका गया था? फालतू ही ये चक्कर में पड़ा। सम्राट ने सोचा कि अब तो कुछ कह भी नहीं सकता, इसने एक मौका भी तो नहीं दिया, इसने ये भी तो नहीं कहा एक बार भी कि नहीं, मैं बहुत मजे में हूँ, क्या बारिश क्या सर्दी, हमारे लिए सब एक हैं। सम्राट ने सोचा कि कैसा साधु है ये, आराम की बात आते ही तुरंत हाँ बोल दी। सम्राट के मन का सारा भाव ही खत्म हो गया। सम्राट ये सब सोच ही रहा था कि वो साधु तब तक सम्राट के घोड़े पर जाकर बैठ गया। सम्राट को जिंदगी में पहली बार पैदल चलना पड़ा, जबकि वो साधु बड़े मजे से घोड़े पर बैठकर जा रहा था। सम्राट के दिल को बड़ी चोट लगी कि ये तो मैंने बड़ी जल्दबाजी कर दी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन सम्राट अब अपनी बात से पलट भी नहीं सकता था, क्योंकि वो अपने वचन का पक्का था। सम्राट ने सोचा कि ये भी महल में पड़ा रहेगा, इतने लोग तो पड़े हैं, ये भी पड़ा रहेगा तो क्या फर्क होगा। लेकिन सम्राट के मन में उस साधु के लिए सम्मान खत्म हो चुका था। साधु तो महल में जाकर रहने लगा, पर सम्राट को दिन प्रतिदिन कष्ट बढ़ने लगा, क्योंकि साधु ऐसी मस्ती में रहता था। जब यही साधु उस वृक्ष के नीचे मस्त रहता था तो सम्राट के मन में उसके लिए आदर पैदा हो गया था कि ये कैसा गजब का त्यागी है। साधु तो वृक्ष के नीचे भी बांसुरी बजाता था और महल में आकर भी वो बांसुरी ही बजा रहा था, लेकिन अब वो मखमल के गद्दों पर बैठकर बांसुरी बजाता था। ये सब देखकर सम्राट के छाती पर सांप लौट जाता था कि कहाँ का आदमी मैं उठा लाया, ये कोई साधु ही है। सम्राट से भी ज़्यादा शान से वो साधु रहता था। सम्राट को तो कुछ चिंता और राज्य की फिक्र भी थी। आखिर अपना साम्राज्य, अपना महल, अपनी धन दौलत, सैकड़ों चिंताएं थी उनको, लेकिन उस साधु को तो कोई भी चिंता नहीं थी। वो तो बांसुरी बजाए, नाचे, मस्त भोजन करे। 6 महीने किसी तरह से सम्राट ने बर्दाश्त किया, लेकिन बात बढ़ती गई। अब सम्राट के लिए सहना मुश्किल हो गया। एक दिन सम्राट ने कहा, महाराज, आपसे एक निवेदन करना है। अब मुझ में और आप में क्या फ़र्क है? साधु ने कहा, फ़र्क जानना चाहते हो? सम्राट ने कहा, हाँ महाराज। साधु ने कहा कि तुम 6 महीने क्यों फालतू के परेशान रहे? ये बात तुम्हें उसी वक्त पूछ लेनी चाहिए थी जब मैं तुम्हारे घोड़े पर बैठा था, क्योंकि मैंने तो देख ही लिया था
कि ये बात तुम्हारे मन में उसी वक्त उठ गई थी जब मैं झोला उठाकर राजी हुआ चलने को। उसी वक्त मैंने तुम्हारा चेहरा देख लिया था। ये प्रश्न तो तुम्हारे अंदर उसी वक्त ही आ गया था। अरे बुद्धू, तुमने 6 महीने तक अपनी छाती क्यों जलाई? वहीं पूछ लिया होता, मैं झोला डालकर फिर से वहीं बैठ जाता। किस बात का संकोच कर रहे थे तुम? लेकिन मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि देखूं तुम कब तक ये प्रश्न पूछते हो। तो कल सुबह फर्क बता ही देता हूं मैं तुम्हें, लेकिन हाँ, गांव के बाहर बताऊंगा। सुबह सम्राट जल्दी उठा, उत्सुक था जानने को कि क्या फर्क है। सम्राट ने सोचा कि क्या फर्क हो सकता है, मुझे तो कुछ भी फर्क नहीं लगता। खाना जो मैं खाता हूँ वही वो खाता है और मुझसे भी ज़्यादा मांगे करता है। ये लाओ वो लाओ, मैं जिस कमरे में रहता हूँ उससे भी ज़्यादा सुंदर कमरे में रहता है वो। मेरा 2-3 नौकरों से काम चल जाता है और ये पूरे दिन 15-20 नौकर अपने साथ रखता है। इसकी ज़रूरतों का तो कोई अंत ही नहीं, मांगे ही चला जाता है। कपड़े इतने शानदार पहनता है कि कोई मुझे देखे तो समझे कि मैं इसका मंत्री हूँ। ये खुद ही इस महल का सम्राट मालूम पड़ता है। कम से कम महल के बाकी लोग मुझसे डरते तो हैं। इसकी आंखों में तो डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। बस पूरे दिन बिना किसी चिंता के बांसुरी बजाता रहता है। आज मैं भी देखता हूँ क्या फ़र्क बताता है। सम्राट सुबह सुबह ही साधु के कमरे में पहुँच गया। वहाँ जाकर देखा तो साधु ने वही पुराने कपड़े पहने हुए थे जो वो उस वृक्ष के नीचे बैठकर पहनता था। उसी झोले को अपने एक हाथ में उठा रखा था और दूसरे हाथ में बांसुरी लिए तैयार खड़ा था। सम्राट ने कहा, चलिए महाराज। दोनों महल के बाहर निकल आए। चलते चलते एक गांव की नदी पार हो गई। कुछ देर बाद वो गांव के बाहर आ गए। सम्राट ने पूछा, अभी और कितना चलना है? साधु ने कहा कि बस कुछ देर और। चलते चलते सुबह से दोपहर हो गई। सम्राट ने कहा, बस और नहीं चल सकता, जो भी आपको कहना है यहीं कह दो। साधु ने कहा, मैं तो आगे चलता हूँ, तुम चलते हो कि नहीं? सम्राट ने कहा कि मैं कैसे चल सकता हूँ? मेरा महल, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरी धन दौलत सब कुछ मुझसे जुड़े हुए हैं। मैं तुम्हारी तरह फ़कीर थोड़े ना हूँ कि जिसे किसी बात की कोई चिंता ही नहीं। साधु ने कहा, बस यही फ़र्क है तुम में और मुझ में। मैं कहीं भी जा सकता हूँ, तुम नहीं जा सकते। मैं हर परिस्थिति में खुश रह सकता हूँ लेकिन तुम नहीं। जब मैं उस वृक्ष के नीचे रहता था तब भी मस्ती से रहता था और अपने ज़िंदगी के एक एक पल को जीता था। जब मैं तुम्हारे महल में चला गया और वहाँ भी मैंने अपने जीवन के अनमोल एक एक क्षण को पूरी मस्ती और आनंद के साथ जिया। अब जब मैं कहीं और चला जाऊँगा वहाँ पर भी मैं ऐसी ही मस्ती से जीऊँगा। हम जहाँ जिस वक्त रहते हैं पूरे तरीके से वहीं पर रहते हैं। हम ना तो अपने बीते हुए कल के बारे में सोचकर पश्चाताप करते हैं और ना ही भविष्य की चिंता करके अपने वर्तमान को खराब करते हैं। हम तो बस आज में जीते हैं क्योंकि हम समझ चुके हैं कि जीवन तो आज में है, अभी इसी पल को जीने में है। बस यही छोटा सा फर्क है तुझ में और मुझ में कि तुम्हें परिस्थितियाँ चलाती हैं और हम परिस्थितियों को चलाते हैं। तुम खुश रहोगे या दुखी रहोगे क्या तुम्हारे आसपास होने वाले घटनाओं पर निर्भर नहीं करता है ये, लेकिन हमारे लिए ये घटनाएं जीवन के सफर का एक हिस्सा मात्र है। अचानक सम्राट को महसूस हुआ कि अरे, ये मैंने क्या कर दिया, इतने अद्भुत आदमी को गवा दिया। 6 महीने इसके साथ सत्संग भी नहीं कर पाया, सत्संग करता भी क्या खाक। मेरे मन में तो यही चल रहा था कि ये तो एक साधारण आदमी निकला, खोटा सिक्का निकला जिसके ऊपर सोने की पालिश गुदी हुई थी, लेकिन अंदर से मिट्टी निकला। तुरंत ही सम्राट साधु के पैरों में गिर पड़ा और बोला, नहीं महाराज, आगे नहीं जाने दूंगा। साधु ने कहा, देख, मुझे कोई परेशानी नहीं है, ये रहा तेरा घोड़ा, मैं फिर इसी पर बैठकर वापस महल में चला जाऊंगा, लेकिन फिर तुझे परेशानी होगी। ऐसा सुनते ही सम्राट के मन में वही विचार आया कि अरे, ये साधु तो फिर से आसानी से मान गया। साधु ने सम्राट के चेहरे के तरफ बड़े ही ध्यान से देखा और फिर बोला, लेकिन नहीं, मैं नहीं आऊँगा क्योंकि तू फिर नहीं सुधरेगा, फिर तुझे परेशानी होगी और तू फिर से चिंता में पड़ जाएगा। हमारा क्या, हम तो सन्यासी हैं, हमारे लिए तो महल और जंगल सब एक समान है, हमें कोई समस्या नहीं, क्योंकि जिसे समस्या है
वो सन्यासी हो ही नहीं सकता। मेरी बांसुरी जैसे महल में बजती थी, वैसे ही जंगल में भी बजेगी और बजती ही रहेगी। ये कहकर वो साधु वहाँ से चल देता है और सम्राट वहीं खड़ा खड़ा उस साधु को जाते हुए देखते रहता है। दोस्तों, अगर हम अपने जीवन को भी देखें तो हमें हमारी परिस्थितियाँ चला रही हैं। असलियत में एक इंसान अपने परिस्थितियों का गुलाम होता है। अगर परिस्थितियाँ अच्छी चल रही हैं तो वो बहुत खुश रहेगा, लेकिन जैसे ही समय पलटता है आदमी दुखी होता चला जाता है। लेकिन क्या कभी आपने विचार किया कि जीवन सिर्फ परिस्थितियों पर ही निर्भर रहता है? क्या आदमी अपने परिस्थितियों से ऊपर उठकर जीवन को देख सकता है, अपने स्वरूप को पहचान सकता है? जरा इस बात में जरूर सोचना, और आखिर में आप पाओगे कि तुम भी अपने परिस्थितियों से बाहर निकलकर एक नए स्वरूप को, एक नए जीवन को देखना तो चाहते हो, लेकिन तुम्हारी परिस्थितियाँ बार बार तुम्हें पीछे खींच लेती है। तुम परिस्थितियों के गुलाम हो चुके हो। तो कोई तो ऐसा रास्ता होगा जो हमें अपने परिस्थितियों से निकालकर एक परमानंद का, आनंद का जीवन में रास्ता बता दे। ऐसा कौन सा तरीका है? खुद से चिंतन करना, सोचना। अच्छे से चिंतन करने से ही आपको रास्ता मिलता है। मैं आपको सब कुछ नहीं बता सकता, सिर्फ एक राह दिखा सकता हूँ, लेकिन उस पर चिंतन तो आपको ही करना होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।